नमस्कार, मैं गुरु हिसार और आप देख रहे हो हरियाणा समाचार। भाई इस वक्त मौजूद हूँ हिसार के लघु सचिवालय के आगे। आ रही हो मेरे पीछे भाई, यार राख देखने लाग रहे हो या किसकी राख था? मैंने बेरा भी यार राख है भाई, दुष्यंत चौटाला और मनोहर लाल खट्टर, ये उसकी राख है भाई। वो भाई फिलहाल देख सकते हो कि आम आदमी पार्टी ने फिलहाल जिंदा है, फिलहाल जिंदा ही जला दिया। यो भाई लघु सचिवालय के आगे मौजूद हूँ और फिलहाल अभी ये यहाँ पर सीएम का पुतला यहाँ पर फूका गया। तो हमारे साथ आम आदमी पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेता भी मौजूद है, हम इनसे भी बातचीत करने की कोशिश करें। भाई साहब क्या नाम आपका? मैं रामनाथ दुवारिया जी। पंचकुला में जो सरपंचों को मारा गया है, ये उसके कारण आज इनके सीएम का पुतला फूका गया? पंचकुला में जो सरपंचों के ऊपर अत्याचार किया पार्टी ने, जो ई टेंडरिंग के विरोध में जो आंदोलन कर रहे हैं, उन्होंने जो शांति प्रिय अपना प्रदर्शन कर रहे थे, सरकार से मांग कर रहे थे, उनके ऊपर पुलिस बल के द्वारा जो लाठी चलाई गई, सरकार ने उनके साथ ज्यादती की, उसके विरोध में आज आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने हिसार के सेक्रेटरिएट गेट के सामने मनोहर लाल मुख्यमंत्री और दुष्यंत चौटाला जी का ये पुतला फूका है। सभी आम आदमी पार्टी नड़वाल का के सभी कार्यकर्ता साथ मिलकर के आज ये आगे की कार्रवाई क्या रहने वाली है? आगे की कार्रवाई ये देखो, मांग तो कदी सरकार ने मांगी को नहीं, या नुए चक्कर कटाई जावे है, रोजूरा पुतले फूकी जावे है। देखिए इस बार ये सरपंचों के फंस गए हैं और आम आदमी पार्टी सरपंचों के साथ है। मैं एडवोकेट संजय बुरा अलका नलवा से जी, और हमारे जितने भी साथी हैं नलवा हल्के के, तो जैसा मतलब हमारी पार्टी ने आज पूरे 90 के 90 हल्कों में हमने ये प्रोटेस्ट किया है सरपंचों के समर्थन में और इस तानाशाही सरकार के विरोध में। बाकी हमारे साथी उमेश जी बताएंगे आपको बातें। भाई साहब नाम क्या आपका? मेरा नाम उमेश शर्मा है जी, हल्का नलवा जी। भाई साहब अभी 2024 के अंदर इलेक्शन शुरू होने वाले हैं, फिर केवरा देखो सिलेंडर भी 50 रुपये बढ़ा दिया ना, या राइट टू रिकॉल का कि मैं कर दे, ये नुए चक्कर कटा हुआ है, लगा कि मैं इसका हल निकल जाऊँगा। देखिए जी ऐसा है, हल तो अब सीधा निकलेगा, कर्मचारी इन्होंने पीट लिए, किसान इन्होंने पीट लिए, ठीक है, अब सरपंच इन्होंने पीट दिए, तो सरपंच के परसों आम आदमी पार्टी को रोहतक में पीटा इन्होंने, जो इनके पास आवाज उठा रहा है उसको ये पीट रहे हैं। आपसे मैं एक बात बोल देता हूँ, ये सारे हरियाणा वासी सुन लें कि ये जो है ना खट्टर सरकार और जो जे पी सरकार है, ये सरपंचों की पिटाई इनके ताबूत में आखिरी कील होगी। जैसे आपने सुना होगा ना, फाइनल नेल इन देयर कॉफिन, एक सरपंच को पकड़ाई जाती है और जिस तरह से घिस्टा के इन्होंने पिटा, जो मारा किसानों को इन्होंने पीट लिया, कर्मचारी बेचारे अपनी पेंशन तो मांग रहे थे उनको पीट दिया। ये आज बात कर रहे हैं कि हमें हमारी जो ई टेंडरिंग के खिलाफ ही बात कर रहे हैं। दुष्यंत चौटाला ने ई टेंडरिंग के इतने सारे वो करे, ठीक है, और उसमें कितने घोटाले निकले? क्या ई टेंडरिंग करने से इनके विधायकों के घोटाले दूर हो गए? जो ये सरकार सारी ई टेंडरिंग पे इतने घोटाले आपके सामने खुल रहे हैं, वो उससे दूर हो जाएंगे क्या? नहीं होंगे। ये चाहती है सरकार पिछले 2 साल के अंदर, 2 साल में जो इनको मजा आ गया ना कि सरपंच तो थे नहीं, सारी पावर इन्होंने यूज़ कर ली, अब ये देना नहीं चाहते। जो मिनी पंचायत है, जो छोटी पंचायत गांव की होती है, और हमारे स्वराज के मॉडल में जो गांधी जी ने कहा था कि सबसे ज़्यादा सशक्त उसको करना चाहिए, ये उसके अधिकार छीन रहे हैं। सरपंचों की जो ये लड़ाई है, अब ये पूरी देशव्यापी होगी, हरियाणा के अंदर होगी, गांव में इनको घुसने नहीं दिया जाएगा, ना किसान घुसने देगा, ना सरपंच घुसने देगा, कर्मचारी इन्हें शहरों में नहीं घुसने देगा, और ये लड़ाई सीधी होगी अब। और इसमें 2024 में ये जो सरकार जो बनी जोड़ तोड़ से बनी, ये ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगी। ये आम आदमी पार्टी ने आज पूरे हरियाणा में 90 हलकों के अंदर ये प्रोटेस्ट करके ये बता दिया कि 2024 में सीधी लड़ाई आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी होने वाली है। कांग्रेस कहीं नहीं दिखेगी आपको, कोई प्रोटेस्ट करती नहीं दिखेगी, आम आदमी पार्टी कर रही है और करती रहेगी। आम आदमी पार्टी की आपने सारी बातें सुनी, इन्होंने जो जो बात की है भाई, पंचकुला के अंदर सरपंचों को पिटा गया है और रोहतक के अंदर कल या परसों उनको भी पिटा गया है, वहाँ पर भी कई लोग घायल हुए थे। हमने आपको पहले भी रोहतक की वीडियो दिखाई थी भाई, उनके कितनी ज़्यादा चोटें लग चुकी है और घायल भी बहुत ज़्यादा हो चुके थे। तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय रखें, क्या कहना है आपका और आम आदमी पार्टी का, क्यों इनके साथ लगी हुई है आम आदमी पार्टी? अभी 2024 के अंदर इलेक्शन शुरू होने वाले हैं, तो आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में हमें बताते रहे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहे और जुड़े रहे हरियाणा समाचार के साथ। धन्यवाद।